नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम विवेक मौर्या है। मैं आज आप लोगों के लिए बीन्स की खेती के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जो कि बढ़िया है, जो कि ठंडियों के मौसम में इसकी खेती की जाती है। यह बोड़े की बौनी प्रजाति है, जो कि बनाया गया है। बोड़े की तरह सेम होता है। इसकी लंबाई कम से कम 9 सेंटीमीटर की होती है। देख सकते हैं आप फली। इसकी पैदावार सबसे अधिक बोड़े की तरह सेम। बात करें इसके सीड की, तो इसकी सीड सफ़ेद कलर में होती है, जो कि आपको 800-900 रुपये केजी प्रति मिल सकता है। आप दो कंपनियां इसकी बढ़िया है, जो कि सेवनेज और क्लाउज की है। दोनों ही कंपनियों की सीड आप लगा सकते हैं, दोनों ही अच्छा उत्पादन होता है। रोग की बात करें तो इसमें रोग बहुत ही कम लगते हैं, और खाद की मात्रा भी बहुत ही कम देनी पड़ती है। सिर्फ डाई दीजिए इसको, यूरिया की मात्रा बहुत ही कम। उत्पादन तो आप लोग देख ही रहे हैं कैसे है। प्रति पौधा कोई भी पौधा आप उठा लीजिए, देखिए। किसी भी पौधे को सभी सभी में फलियां लगी हुई हैं। इसकी तोड़ाई एक बार हो चुकी है, दूसरी बार इसकी तोड़ाई करने योग्य हो गया है। तो आप भी ठंडियों के मौसम में इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको भी बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा, बहुत ही बढ़िया। इसमें देख सकते हैं सेम बोड़े की तरह है। इसकी बुवाई बोड़े की तरह ही किया जाता है। उतनी दूरी उतनी खाद की आवश्यकता, पानी बहुत ही कम मात्रा में। इसकी बुवाई आप अक्टूबर नवंबर में करते हैं, और यह आपको फरवरी भर फल देता है, फरवरी मार्च तक भी देगा। मार्केट की बात करें तो यह मार्केट में अच्छा रेट भी देगा। करीब करीब शुरुआती तौर पे आपको अगर नवंबर दिसंबर में तैयार होता तो 250 रुपये किलो प्रति जाएगा। अगर इस मौसम में तैयार होगा जनवरी के महीने में, तो आपको यह 50-60 रुपये प्रति केजी देगा ही देगा। इससे कम इसका रेट नहीं होता जल्दी। तो बात करें इसकी मार्केटिंग भी हमेशा रहे, तो आप लोग भी इसकी बीन्स की खेती करिए। अभी भी आप लोग लगा सकते हैं, जनवरी है अभी, 12 ही जनवरी है। तो आप भी किसान भाई लोग बीन्स की खेती है। धन्यवाद किसान भाई।